लीजिए गैस क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड वन से शुरू करते हैं अपनी कहानी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने देखे हैं बार 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 एग्जाम में आ रहे हैं तो इनको मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश करें अब पूरा तरीका सीख लें मार्क वन ऑल द अवार्ड फॉर द कैटेगरीज इन विच ही वॉज नॉमिनेटेड मार्क वन बच्चों वन आपकी सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है सबके लिए समान चलिए उसके बाद आपका आ गया है? ओल ओल का क्या रूल है बच्चों ओल के डायरेक्ट बाद अगर वर्ब लगानी हो तो आप सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा और फिर आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी तो यहाँ पे ओल द अवार्ड्स अवार्ड्स आपको होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि ओल आ रहा है पीछे तो यहाँ गलती तो आपकी हो चुकी है सेकेंड पार्ट में ही फोर फोर द कैटेगरीज इन विच ही वॉज नॉमिनेटेड एक बात और सेंटेंस अगर प्रजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रजेंट में चलेगा पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में और सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है सेंटेंस के सिर्फ सेकेंड पार्ट में एरर है यानी कि सेकेंड पार्ट की एरर के अलावा और कोई एरर इसमें नहीं है गाइस यस yes? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ यू विल स्पेंड

और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फर्स्टूमा करती है बिकॉज मॉडल वर्ड है जो कि है ये जो तो आप देख रहे हैं वर्ड स्पेंड की एक खास बात हो रहा है बच्चों कि स्पेंड या तो टाइम के लिए आता है या फिर मनी के लिए तो मोस्ट ऑफ योर टाइम गैपिंग गैप मतलब दवाई लेना क्लियर ठीक है इन आओ एट क्लास टेम्पल चलिए कोमा आ गया है कंजक्शन आ गई है नया शुरू हो गया दैट इज दैट इज ओनली देखिए गलती तो बच्चों यहीं पर ही है कम से कम अगर ये भी नहीं पता है क्या है तो ये तो पता होना चाहिए कि ओनली हमारा एक वाउल है और वाउल से पहले कम से कम एन तो लगा ही दे ये तो बहुत माइनर मिस्टेक दी है और नहीं आएगा कम से कम गलती तो यही है क्लियर होगी है और वैसे भी बच्चों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका द ओनली जैम होना चाहिए था यस yes? सब जैक्टर सेंटेस करेक्ट रहा था दैट एलोरा हैज़ टू ऑफर बाक़ी सब कुछ ठीक है बस यहाँ पर ओनली से पहले आपको एक के जगह द का इस्तेमाल करना चाहिए सेंटेंस के थर्ड पार्ट में ए है वट हैन ऐट योर कॉलेज टुडे देखिए सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर वो बनाएंगे डब्ल्यू फैमिली से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो और उसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स हो तो ज़रूरी है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो और फिर सब्जेक्ट हो यस तो यहाँ पर तो डायरेक्ट वब आ गई है वट हैपन वट हैपन आपकी फर्स्ट होम है अगर मैं वर्ड को यहाँ पर सब्जेक्ट मान रहा हूँ तो ये सिमिलर है तो वट हैपन्स होना चाहिए था। लेकिन पूछ रहा है कि कॉलेज में आज क्या हुआ तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में पास्ट की भावना जा रही है पास्ट की भावना के लिए मुझे यहाँ पर इसको सेकेंड फॉर्म बनाना होगा वट हैपनड वट हैपन सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा पहले पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी इस yes, गैस तो सेंटेंस के पहले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं सम सम आपका एक उन नाउन में से है प्रोनाउन में से जिसके बाद में नॉन कर सकता है और अनकाउंटेबल नॉन कर सकता है तो सम गर्ल्स ठीक है आर करेक्ट है टेकिंग ठीक है प्रायर परमिशन टेकिंग सम गर्ल्स आर टेकिंग प्रायर परमिशन टू स्पोर्ट अ लूजली टाइड प्लेट ऑन द डेज दे हैड वॉश देयर हेयर सो गेस यहां सेंटेंस में आपका आ गया हैड इससे के लिए सेंटेंस पास्ट में चल रहा है अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलना चाहिए जिस गैस ऊपर से यहाँ पर आपका टाइड जो कि सेकेंड फॉर्म में टाई की ये भी आ रहा है तो बच्चों इन दो की वजह से आपको इसे एक को बदलना होगा या तो आप इसे वॉजर करें या फिर आप इसे पूरा हटा करके यहाँ से सम गर्ल्स टुक सेकेंड होम का इस्तेमाल करें तो सेंटेंस करेक्ट होगा सेंटेंस के पहले पार्ट में आ रहा है द फ्यू मोमेंट ऑफ डेलीब्रेशन गेव हर द दोल्यूशन द फ्यू मोमेंट बच्चों यहाँ आपका यहा फ्यू फ्यू के साथ में हम लोग हमेशा काउंटेबल लाउन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर मोमेंट नहीं आपका मोमेंट्स होना चाहिए था चलिए प्रिपरेशन के बाद नाउन आ गया है सेकंड होम आ है वो आपकी बाकी सब कुछ ठीक है बस पहले ही पार्ट में आपके एरर है डेली हैड बिन कैप्चर्ड रैनसेक्ड एंड रिबिल्ट सेवरल टाइम्स एंड मॉडर्न डेली इज अ क्लस्टर ऑफ अ नंबर ऑफ सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द मेट्रोपोलिटन रीजन स्कैस यहाँ सेंटेंस में आपको आ रहा है डेली हेडबिन लगाने का साफ साफ इशारा है कि सेंटेंस परफेक्ट में है और पैसिव है क्योंकि बी की फैमिली साथ में थर्ड फॉर्म का इशारा है कि वो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है अब क्या सच में सेंटेंस में पैसिव की रिक्वायरमेंट है ये देखना ज़रूरी है यस yes. डेली हेडबिन कैप्चर्ड रेनसेट एंड रिबिल्ड सेवर टाइम्स एंड मॉडर्न डैली इज प्रजेंट पास्ट डाउटफुल हो गया कंडीशन अ क्लस्टर ऑफ अ नंबर ऑफ सिटीज स्प्रेड स्प्रेड फर्स्ट होम फिर प्रजेंट अक्रॉस द मेट्रोपोल्यूशन गैस दो वर्ब प्रजेंट की आ रही है एक वर्ब पास्ट की आ रही है ये हुआ रॉन्ग सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सेंटेंस ऐसा पूरा प्रजेंट चलाओ ये सेंटेंस पूरा पास्ट चलाइए तो सेंटेंस में आपके एरर हो गई है हेडबिन की जगह आपको हैजबिन करना होगा सब सेंटेंस करेक्ट होगा सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है फिर से आगे बढ़ेंगे ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड एडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट आर ओबेडेड और मैलेस्ड ध्यान दीजिएगा ऑल दैट वी एडमायर्ड एडमायर्ड यानी के आपका सेकेंड फॉर्म यानी कि सेंटेंस पास में चल रहा है एन एडोड दोनों तरफ सेम है फॉर्मेशन थर्ड फॉर्म में बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट आर ऑबरेटेटेड ये हो गया प्रजेंट में या तो सेंटेंस को प्रजेंट में चलाओ या पास में चलाओ किसी एक चीज़ को फॉलो करो यहाँ सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी यानी कि अब ऐसा नहीं कि आपको इसे बदलना पड़े आप लोग इसे बदल दीजिए आप यहाँ पे आर की जगह वर्क कर दीजिएगा थर्ड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी ये गैस चलिए एन ऑनलाइन शॉप ई वॉक ऑनलाइन के लिए एन सही है एन ऑनलाइन शॉप सिंगुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट फॉर्म आ रही है रॉन्ग हो गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में या तो आप इसमें ऐसे ई लगाओ, या ऐसे सेकंड फॉर्म बनाओ सेकंड फॉर्म बन सकती है या नहीं वो आगे से पता चलेगा क्योंकि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ये नहीं सेंटेंस तो प्रजेक्ट में ही चलेगा तो यहाँ पे आपको ई करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा यानी कि सेंटेंस में एरर तो मिल चुकी है द अपोलॉजी ऑफ बाइंग में एन जाया करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड बर्डोर के दोनों तरफ सेम है हैल पुरूरल एट अ रेगुलर रिटेल और शॉपिंग सेंटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर यानी कि बी टू सी सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दो सौ नौ थोड़ा सा क्लियर नहीं है ध्यान से समझना ऑफ ऑल द फोर्ट्स ऑल के साथ में प्लू डाउन आ गया है करेक्ट है दैट आई हैव विज़िट ये हो गया रूम आई के साथ हैव आया तो थर्ड होम भी आनी चाहिए थी विजिट नहीं विजिटेड होना चाहिए था सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर हो रोकिए फिर से विजिटेड इन इंडिया दौलताबाद फोर्ट इज माय फेवरेट सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है अगला सेंटेंस थोड़ा ढूंढ लगा उसके बाद सेंटेंस सारे ठीक है द बेंच विल ऑल्सो हैव टू से वेदर द लॉज आर रियली एट कॉन्सोनेंस विद द बेसिक टीन एंड्स ऑफ द नाइनटीन सिक्सटी एक्ट क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द बेंच के साथ में बिल आया है बिल के साथ फर्स्ट आई है टू के बाद फर्स्टोमाई करती है वेदर द लॉज आर रियली एट कॉन्सोनेंस विद ये आपका एक स्ट्रक्चर है रियली इन कॉन्सोनेट विद यानी कि आपका एट की जगह इन होगा इन कॉन्सोनेंस विद पूरा एक स्ट्रक्चर है से सामंजस्य में के सामंजस्य में सेंटेंस सेकेंड सेंट पार्ट में एरर देखिए सेंटेंस यहां से थोड़े क्लियर दिखाई देंगे आपको आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट एनवलप द पार्क बच्चो लुकअप मतलब बेहतर होना अपना आपको ऊपर उठाना अपना आपको ऊपर देखना आई लुकअप आफ्टर अब आफ्टर लगाया गया है वो एक चीज़ है आफ्टर द ब्लास्ट आई लुकअप आफ्टर द ब्लास्ट यानी कि मैंने देखा बेहतर या ऊपर देखा ब्लास्ट के बाद में ऑफ लाइट एनवलब द पार्क गैस सेंटेंस में पास्ट यानी कि भूतकाल का फॉर्मेशन चल रहा है अगर देखा जाए तो क्योंकि ब्लास्ट के बाद देखा तो इसका मतलब किसी घटना के होने के बाद उसने चेक किया तो यहाँ सेंटेंस में लुक नहीं लुक्ड होना चाहिए था पहले पार्ट में अरर है अकॉर्डिंग टू द कॉपर निकन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द कॉपर निकन प्रिंसिपल तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो प्रॉब्लम के बाद है सारा खत्म है द अर्थ डज नॉट अर्थ एक ही है उसके दा लगाया गया है, है, है। does occupy, में, साथ, साथ में डस्ट भी इसलिए आया बिकॉज वो सिमुलर है डज नॉट ऑक्यूपाई फर्स्टों में टू डे हमेशा फर्स्टो में आई करती है और यूनिक पोजिशन इन द यूनिवर्स और यूनिक पोजिशन इन द यूनिवर्स वाइल्ड एम्प्लाइज बच्चों वाइल्ड के तुरंत बाद यहाँ वर्ब आ रही है इसका मतलब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रणा की रिक्वायरमेंट थी अगर तुरंत बाद वर्ब ना करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती तो ये कंजस्टन का काम करता और फिर ये ठीक होती फिलहाल यहाँ पे आपको एक रिलेटिव प्रणा चाहिए तो आप हु विच बट देट मीन कोई भी लगा सकते हैं हालांकि हु who और हु पर्सन के लिए आती है दैट खास कंडीशन में आती है तो आपके पास विच या बट ही बचता है वट एनिमल्स के लगाते हैं तो आपके पास सिर्फ सिर्फ विच बचता है सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में की जगह विच का इस्तेमाल होगा द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड बच्चों यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इनजस्टिस है इनजस्टिस मतलब अन्याय द इनजस्टिस अन्याय अन्याय किसी के खिलाफ किसी के विरुद्ध द इनजस्टिस अगेंस्ट द सेंटेंस प्रोनाउंस लेकिन ये भी ठीक है फ्रॉम सही है द इनजस्टिस फ्रॉम द सेंटेंस प्रोनाउंस एब दैट ग्रेट साइंटिस्ट एब नहीं यहाँ पर अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट दैट ग्रेट साइंटिस्ट उस ग्रेट साइंटिस्ट के खिलाफ जो हुआ है तो सेंटेंस के सेकेंड फॉर्म में आ रहा है सेकेंड पार्ट में बाकी सब कुछ ठीक है सेकेंड पार्ट में अबोव की जगह आपका अगेंस्ट आ जाएगा स्वामी विवेकानंद डाइड वेरी यंग इन इज अर्ली थर्टीज बट द फिनल अचीवमेंट इज ही इज ग्रेटेड विद आर फॉर जनरेशन टू रिमेम्बर तो स्वामी विवेकानंद बहुत जल्दी उम्र में मर गए थे यानी कि अपनी शुरुआत के तीस साल में उमर्ये थे स्वामी विवेकानंद डाइड डाइडेस्ट पास में चल रहा है सेकेंड फॉर्म में वेरी यंग इन इज अर्ली थर्टीज ये भी ठीक है अर्ली थर्ड करेक्ट है बट द फिनल अचीवमेंट्स ही इज क्रेडिट ये रोंग हो गया है, इज हमारे साथ में या तो आई एन जी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आया करती है अब ना तो ये आई एन जी है ना ये थर्ड फॉम है सेंटेंस में यहाँ पर गलती हो गई है गलती इसी पार्ट में ही है तो सेंटेंस के सेकेंड फॉर्म आपके एरर है आगे बढ़े बच्चों द ताजमहल कैन बी कॉल्ड ज्वील ऑफ द नेशन ताजमहल ताजमहल एकमात्र है हमारे दुनिया में तो दा लगाया कैन बी बी के साथ सड़कोंम लगाई कैन के, के साथ फर्स्ट रोम लगाई क्योंकि तो मोडल ओ के साथ फर्स्ट रोम और बी के साथ सड़कों कोल्ड द ज्वील ऑफ द नेशन बच्चों ध्यान देना अगर प्रपोजन से पहले कोई नाउन ना आ जाए तो उस नाउन से पहले हमेशा दा का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड पार्ट में एरर आपके आगे बढ़ें निवेदितास लव फॉर एवरीथिंग इंडियन निवेदितास लव लव हमारा एपसेट नाउन है और निवेदितास हमारा प्रॉपर नाउन है और जब भी दो नाउन एक साथ आ रहे हों तो हमें एपस लगा के उनको कनेक्ट करना होता है तो यानी कि इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है निवेदास लव फॉर एवरीथिंग इंडियन वाज एलोकेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन हर सर्व ऑफ टी टू मिंटो अब यहाँ देखते हैं वो हमारा सब्जेक्ट के लिए आ रहा है एलोकेंटली ठीक है डेमोनिस्ट्रेटेड भी ठीक है इन हर सर्व ऑफ नहीं यहाँ पर इन हर हर हमारा एक पजेसिव केस है इसको बोलते हैं पजेसिव एजेक्टिव और इसके बाद हमेशा नाउन का आने ना वाले है जबकि आपकी सर्व एक वर्ब है इसे हमें नाउन बनाना होगा इन हर सर्विंग करना होगा या फिर आप यहाँ से हर ही हटा दो पूरा इन सर्विंग ऑफ टी टू रेडीमिटो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में आपकी एरर है 217 देखिएगा she शी हैज़ अ काइंड आइज़ विद अ ब्यूटिफुल फेस शी हैड अ काइंड आइज ध्यान दीजिएगा शी के साथ में हैज़ आया है kind eyes गैस अब आप खुद देखिए यहाँ पे बात आइज की हो रही आँखों की तो और का इस्तेमाल नहीं होगा she has a kind eye अगर होता तो ठीक था लेकिन ये भी गलत तो हो जाता है क्योंकि का मतलब ये हो जाता कि उसकी सिर्फ एक ही आँख है बाकी दूसरी आँख नहीं है तो यहाँ सेंटेज में आपके पहले पार्ट में एरर हो गई है आर्टिकल ओ का इस्तेमाल नहीं होगा एक्सपर्ट्स हैव प्रिडिक्ट जी नहीं हैज के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है प्रिडिक्टेड एक्सपर्ट्स हैव प्रिडिक्टेड दैट विद इन टेन ईयर्स एथेनॉल विल इमर्ज एज द प्राइमरी ऑटोमेटिक फ्यूल इन द वर्ल्ड बिल्कुल बच्चों ये चल रहा है वर्क इनका एथेनॉल पर तो गैस सेंटेंस में बस एक ही आ रहा है पहले पार्ट में बाकी सब कुछ करेक्ट है गैस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टारगेट स्टेनो मैच 2023 चल रहा है हमारा इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि तो फिर बाद में पछताना पड़े सोचना पड़े इसलिए अभी सोच लीजिए बैच बाई कीजिए तैयारी शुरू कीजिए इस बैच में हम लोग आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन यानी कि रिटर्न की मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ स्किल की जिम्मेदारी आप लोगों की जिसमें आपका कंप्लीट ग्रामर पोर्सन रहेगा किरण सोला हजार रहेगी इंग्लिश की किरण रीजनिंग की रहेगी पी नोट्स रहेंगे साथ में आपको ऑफलाइन वाली फिलिंग देने के लिए हम आपको एक ऐसे डाउट ग्रुप में जोड़ेंगे जिसमें आप कभी भी मुझसे कोई भी डाउट ले सकते हैं इस गैस तो सेंटेंस में यहाँ चलते हैं आप लोग बैच बाय कीजिए अगर आप चाहते हैं किरण का टॉपिक वाइज बैच लेना तो आप टॉपिक वाइज ले सकते हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ में आप किरण की कोई भी प्लेटिस ले सकते हैं बस क्लोटस को छोड़कर क्लोटस आपकी वन नाइन नाइन रुपीज़ की है माय फर्स्ट टास्क इज़ टू गो फॉर शॉपिंग मेरा पहला टास्क है शॉपिंग पे जाना माय फर्स्ट टास्क ज टू गो फॉर शॉपिंग तो गैस यहाँ अच्छा हुआ क्या आप फोन ना लगाए माई फर्स्ट टास्क इज़ टू गो शॉपिंग शॉपिंग पर जाना यस yes, संस्ट के थर्ड पार्ट में आपका फोन नहीं आएगा इन टू थाउजेंड थ्री डेली वन द फर्स्ट क्लीन सिटीज़ इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ़ द ईयर अवार्ड एज इट्स बोल्ड एफर्ट्स टू कर्ब एयर पोल्यूशन एंड सपोर्ट अल्टरनेटिव फ्यूल इनिशिएटिव ध्यान दीजिएगा इन टू थाउजेंड थ्री डेली वन ठीक है द फर्स्ट क्लीन सिटी इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड ये पूरा अवार्ड का नाम है तो यहाँ तो कोई गलती वैसे भी नहीं होगी ठीक है एट इट्स बोल्ड एफर्ट यहाँ आपकी एयर हो जाएगी यहाँ पर ऐड नहीं किस चीज़ के लिए जीतता है वो बताना है आपको और इट्स बोल्ड एफर्ट्स तो अपने इस काम के लिए उन्होंने अवार्ड जीता है तो होल्ड लगाएंगे लिए एकर उसमें और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी आगे देखिएगा in the following questions some of parts of sentence may have errors find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option if a sentence is free from error select no error i don't think i shall get through all the work of this work this afternoon i don't think theek okay. Model i again so first get through all this work this is रहा है बाकी सेंटेंस में सब कुछ ठीक है सेंटेंस में हमारी हो जाएगी यहाँ पर नो एर इन ऑफ मतलब उसने कुछ बुरे दिन देखे हैं, हैज आ गया ठीक है ठीक है ही seen... है बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे बच्चों किसी प्रकार से भी आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों सो ही हैज सीन सम बैड डेज सब के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं ठीक no, well well है बट नाउ ही इज वेल ऑफ गैस यहाँ वेल ऑफ मतलब खुशहाल है आजकल वो पैसे वाला हो चुका है तो ही इज़ वेल ऑफ जो कि प्रॉपर वर्ड है इसके लिए पूरा एक एजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुशहाल यस yes, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एर हो गई है ट्वेंटी थर्ड देखेंगे इन परसोनीफिकेसन कोई बात नहीं कोमा आ गया है नेशन डे शुरू हो गया है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एबस्ट नाउंस नेशंस आर स्पोकन एंड शुडे हैं दोनों दोनों प्लोड हैं तो प्लोड होएगी इसे हमारे साथ सड़कों में आती है समझो पस्ि में जा रहा है ऑफ स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंट स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंट ड से जुड़ा है एंड के पहले आपका है लाइफ जो कि आपका एक नाउन है तो एंड के बाद जो आया है उसे भी नाउन बनाना पड़ेगा जो कि इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जबकि इसको नाउन बनाने के लिए आपको स्मार्ट करना होगा इंटेलिजेंस यस yes. तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी वुड oh, पीकर हैमरिंग अवे आटा ट्री एक्सपीरियंसिस फोर्सिस इंटू फोर्टीन हंड्रेड टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ग्रेविटी और फोर्टीन हंड्रेड जी एस अब वुड पैक ठीक हैमरिंग अवे आटा ट्री एक्सपीरियंसिस चलिए फोर्सिस इंटू फोर्टीन हंड्रेड टाइम्स इंटू नहीं बच्चों इंटू का इस्तेमाल करते हैं मोशन के लिए और खासकर जब हम लोग कोई चीज़ कुछ इस तरह से मोशन में हो तब जबकि यहाँ पर आपका किसी लिमिट की बात की जा रही है कहाँ तक वो काम करता है फोर्टीन हंड्रेड टाइम्स तक तो इन टू नहीं अप टू जब भी किसी वर्ड में बच्चों आपका अप टू आ जाए तो अप टू एक लेवल सेट कर देता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तक जैसे कि आप किसी शोरूम वगैरह में जाएँ और वहाँ लिखा हो सेल अप टू एट्टी परसेंट मतलब एट्टी परसेंट तक की सेल है शुरुआत हो सकता है दस परसेंट से हो रही है बीस परसेंट से हो रही है। शुरुआत कैसे भी हो सकती है लेकिन सेल एट्टी परसेंट तक की है यानी कि अस्सी परसेंट तक का डिस्काउंट है यस दो सेंटिस में सेकेंड पार्ट में एरर हो गई है दो सौ पच्चीस देखेंगे एवोल्यूशनरी प्रोसेस गीव राइस एवोल्यूशनरी प्रोसेस प्रोसेस गिव राइज फर्स्टों में राइज टू बायोडाइवर्सिटी इन एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ स्पेसीज इंडिविजुअल ऑर्गे ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूल्स सो देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ रहा है एवोल्यूशनरी प्रोसेस गिव राइज टू बायोडाइवर्सिटी इन एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल चो इन एवरी नहीं एट एवरी यस सेंटेंस में यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी फिर से पहले पार्ट में आपकी की जगह ऐड का इस्तेमाल होगा बाकी सब कुछ करेक्ट है सो ये आपकी है एरर इनको ध्यान से समझते रहेगा और आज की इस वीडियो में मैं पच्चीस सेंटेंस को ही कवर करूँगा दो सौ एक से लेकर दो सौ पच्चीस तक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के सेंटेंस को क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ आपकी चल रही हैं तो उनके लिए भी रिकॉर्डिंग करनी रहती है बस आप लोग देखते रहें इसी तरह से पसंद करते रहें मिलते हैं नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए हैव अ नाइस डे